तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि भी बोल कौशल के जो भी फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी दिया गया, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ही बताई गई। तो आइए हम फार्मूला नंबर वन पर आपको प्रॉब्लम बता देंगे। जैसे आपको लिखना है कैलकुलेट मोल ऑफ फॉलोइंग, निम्न का मोल ज्ञात कीजिए। हिंदी लिखने की आवश्यकता है तो हम बता देंगे आपको, निम्न का मोल ज्ञात कीजिए। जैसे ए अब दिया गया 24 ग्राम ऑफ कार्बन, 24 ग्राम कार्बन है, इसका आपको मोल ज्ञात करना है। एटॉमिक वेट आपको मालूम है किसका, 12 होता है। बी देखें, इसी तरीके से आपको कह दिया गया 32 ग्राम आप सल्फर ही ले लीजिए। इस किसका ज्ञात करना है, कैलकुलेट मोल ऑफ फॉलोइंग, यानी इसका मोल ज्ञात करना, 32 ग्राम सल्फर में सल्फर का मोल कितना होगा। अब इसी तरीके से हम आपको तमाम एटम जो होते हैं सबके बारे में जानकारी दे देते हैं। 48 ग्राम आप ऑक्सीजन ले लीजिए, आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट मालूम है 40 ग्राम, और कैल्शियम ले लीजिए, इसका मोल आप निकाल लेंगे। इसी तरीके से 46 ग्राम आप सोडियम ले लीजिए, ये तो एटम का मोल हम कैसे निकालेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो कल के लेक्चर में फार्मूला नंबर वन आपने लिखा था, मोल इज इक्वल टू वेट बाई एटॉमिक वेट। तो वेट दिया हो तो एटॉमिक वेट से उसको डिवाइड करके मोल आप निकाल सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट में देखे आपने वेहिकल फर्स्ट लगाना चाहते हैं क्या होगा, 24 डिवाइड बाई 2 आ गया। ऐसे आप सल्फर का भी निकाल लेंगे 32 बाई 32 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 48 बाई 16 हो जाएगा, 40 बाई 14 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 46 बाई 23 हो जाएगा। तो ये आप मोल निकालेंगे। तो जो कल का फॉर्मूला नंबर वन था, मोल बराबर भार बटे परमाणु भार, उस पर यह बेस्ट प्रॉब्लम थी आपके, आप इसको अब देखिए दूसरे फॉर्मूले पर जो इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसमें आप कैसे निकालेंगे। 88 ग्राम आप CO2 है, इसका आपको मोल निकालना है, 60 चलिए ठीक है, आपको 32 ग्राम बता सकते हैं को CH4 ले लीजिए, और आप इसी तरीके से 360 ग्राम आप ग्लूकोज ले लीजिए, CH6H12O6 ले लीजिए, और आप दूसरा लेंगे 71 ग्राम आपको क्लोरीन ले लीजिए, इसका निकाल जाए। तो कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, मोल वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है 88, और मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। तो 12 + 32 = 16 × 32 होगा, और ये 12 होगा, 32 × 12 = 44 हो गया, आप 88/44 कितना आ जाएगा, 2 2 जस्ट लाइक टू दिस। इसी तरीके से डिवाइड बाई क्या होगा 16, तो 16 × 32 हो जाएगा। आप ग्लूकोज का जब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे
तो 180 आएगा, 6 × 12 × 1 6 × 6 तो पूरा जोड़ेंगे तो 180 आएगा, और 360 × 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। 71 है तो 71 डिवाइड बाई इसकी मान लो से डिवाइड करेंगे, और क्लोरीन का 35.5 होता है 1 CL का, तो 2 CL में तो कितना हो जाएगा 71। 71 डिवाइडेड बाय 71 कितना आएगा, आप ट्राई करिए सेल्फ से प्रॉब्लम करने का प्रयास करिए, स्वयं से प्रॉब्लम करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर। आइए देखते रहिए आज प्रॉब्लम आप कर दीजिए इस पर। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ 11.2 liter O2 एटलांटिक। चलिए मैं ये भी देख लिया गया 5.6 liter N2 एट NTP आप ये भी देख लीजिए 2.8 liter SO2 एट NTP। और नेक्स्ट मैं अगर बताना चाहूँगा आपको तो ये भी मैं आपको कह दूँ 44.8 liter हम CH4 को लेते हैं। इसका मुँह निकालना है तो कल के फॉर्मूले में आपने लिखा होगा और नंबर 3 जो यूज हो रहा है वो इस पल्टू होता है बालू एट NTP बटे स्टैंडर्ड बालू मतलब कितना था 22.4 liter सुना रहा है भाई ठीक ओके लेट। तो पहले का निकालिए कितना दिया है 11.2 डिवाइड बाई 22.2 1/2 इसी तरीके से भी देखिएगा क्या करेंगे 5/6/22 भाग देना आपको 2.8 कितना 22.4 44.8 कितना 22.4 तो आ जाएगा। अब निकाल देंगे इस तरह से भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक्सरसाइज इतनी आप करेंगे कॉन्सेप्ट आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। हम 1/1 के लेक्चर में आपको एक क्रम से लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आराम आराम से आप 1/1 एक ऑर्डर में पढ़िएगा। ऑर्डर आपको ना मिलेगा ये केमिस्ट्री 11th का केमिस्ट्री है केमिस्ट्री CL केमिस्ट्री लेक्चर 2 टॉपिक क्या है मूल कॉन्सेप्ट है और क्लास वैसे तो 11th भी लिए हैं बट ये लेक्चर 11, 12 कोई भी पढ़ सकता है जिसको बेसिक केमिस्ट्री न्यूमेरिकल केमिस्ट्री अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। हालांकि अभी शुरुआत किया है तो लो लेवल से चल रहे हैं हम लोग एक बेसिक ऑर्डर को क्लियरिफाई करके चल रहे हैं तो जो सीनियर लोग होंगे उनको तो लगेगा कि बहुत ही लूज पहाड़ है सर बहुत ही सरल चीज़ें पहाड़ हैं लेकिन आगे चल के इसमें बहुत और चीज़ें भी मिलेंगी जैसे आप लेक्चर 5, 3, 5, 4 की तरफ बढ़ेंगे एज एन एस टाइम प्रोसेस लेक्चर जब आगे बढ़ेगा तो मूल कॉन्सेप्ट बिकम हार्ड वो हार्ड होता चला जाएगा तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कैसा नहीं कभी हम बेसिक पढ़ा रहे तो बेसिक के पढ़ा रहे ठीक है। नेक्स्ट आपका है जैसे आपने लिखा 12.04 × 10³ है इसका आपको मोल निकालना है बी आपका 3 × 10³ = 23 हो गया ये SO2 है इसका आपको मोल निकालना है फिर 24.08 × 10³ नाइट्रोजन इसका मोल निकालना है आप यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा ये 48.16 × 10³ ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मोल निकालना है तो बहुत सब पॉमड़े यूज हो रहे हैं मोल इज इक्वल टू नंबर की संख्या बटे अवगाड्रो संख्या चाहे आप एमडॉट लिखें चाहे आप MA लिखें इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको कल बताया गया था पिछले लेक्चर में आपने इसको पढ़ा था नियर अबाउट 6.022 का है चाहे तो 6.02 कर ले × 10²³ अब आइए हम प्रॉब्लम नंबर 1 बताते हैं मोल इज इक्वल टू क्या नंबर कितना दिया 0 पॉइंट 10 पॉइंट कितना है 20 जी
आपने डिवाइड कितने से किया 6.02 पिन कोड किए हैं 20 GB लड़की का कितना हुआ 2 आ गया। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम डिवाइड बाई ऑगोदो नंबर। तो एक सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको भाग देखिए निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखिए हमने आपको क्या होगा बोला बेटर की माली चूज और हमें परमाणु की संख्या। तो अब यहाँ पे बदले का हेडिंग कल पे मोल ऑफ एटम इन माली क्यूज ए है 2 मोल ऑफ, हमें यहां पे लिख दिया 2 मोल ऑफ Cl2 में किसका मोल निकालना है एटम का मतलब Cl का, बी 2 मोल ऑफ O2 में किसका निकालना है O का, 3 मोल आपको N2 में किसका निकालना है N का, 4 मोल S8 किसका निकालना है S का। देखिए जरा मैं आपको इस बार लॉस बताता हूँ, मोल ऑफ S इन S 8 इंटू प्रेजेंट एटम इंटू मोल आप मानी क्यों या कब आप तो 8 ये हो गया और मोल कितना दिया है 4 तो कुल कितना आ गया क्या 32 तो 32 आ गया जस्ट लाइक दिस ईयर 3 × 2 ये 2 × 3 हुआ या क्या होगा 2 × 2 होगा 2 × 2 होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना करेंगे ये भी प्रॉब्लम आपको होते हैं। यहां आपको लिखना है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम इन माली और परमाणु की संख्या वो कैसे निकालेंगे। तो 2 मोल Cl2 में Cl का निकालना है, 2 मोल O2 में आपका O का निकालना है, 3 मोल P4 में P का निकालना है, 4 मोल S8 में S का निकालना है। तो आपने कल के लेक्चर में इस फॉर्मूले को भी पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होगा प्रेजेंट एटम, आप देख रहे हैं प्रेजेंट एटम इंटू मोल इंटू एन ए बोले चाहे एन आर बोले एक ही चीज। तो अब आप प्रॉब्लम नंबर जिससे भी कहेंगे कहीं मैं सी बता दूं तो टोटल नंबर ऑफ पी एम पे निकालना है तो क्या करेंगे प्रेजेंट एटम कितना है 4 है मोल कितना है 3 है एन ए मतलब क्या 12 एन ए आई एन नॉट जो भी अगर दो संख्या पूरा कर दी तो उसका नंबर आ जाएगा। इसके लिए ये भी आपको कंप्लीट होगा, आप इसको नोट करेंगे एक्सरसाइज करेंगे और आज एक्सरसाइज आपको दे देता था एक क्वेश्चन बता के ज्यादा एक्सरसाइज दे देंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग निम्न में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल दीजिए, तो बोले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग ए 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, बी लिखते हैं 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, सी लिखते हैं 2 मोल ऑफ N3-, ये लिखते हैं 2 मोल ऑफ O2-, ये लिख देते हैं 2 मोल ऑफ Na+। तो अब आपको हमने बताया गया था कि टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इंटू
मोल इनटू एन नॉट, एन नॉट, तो टी इज इक्वल टू पी इनटू मोल इनटू एन नॉट कहें चाहे एक बार हमने नोट लिखा था तो नोट भी लिख सकते हैं आप। अब देखना है ऑक्सीजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपको मालूम है 8, 16, तो एटॉमिक नंबर 8 है इसलिए प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन एटम में कितना होगा, 8 होगा, तो आपने क्या लिखा 8 लिखा। और मोल कितना दिया है 2 है, ठीक, एन नॉट 17 है, तो 16 एंड ए आर एन नॉट हो गया, जस्ट लाइक टू दिस ईयर, इसमें भी वही होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक एटम में 7। अब यहाँ हमको सी वाला इंपॉर्टेंट मिल जा रहा है, सी क्वेश्चन देखते हैं, N3 माइनस हाइड्रोजन पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना है निगेटिव उतना इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देंगे, निगेटिव चोर्स कब होता है जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एटम कैरी करता है और शिफ्ट करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन का, 3 निगेटिव है तो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2 निगेटिव है जितना निगेटिव चार्ज होगा उसमें उतना ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या होगा 7 + 3 10, तो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितना है भाई 10। अभी नेक्स्ट वेट करेंगे उसमें भी इसी तरह शाप निकाल लेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यानी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 10 है, मोल कितना दिया है 2 है और एन ए, तो कितना हो गया बेटा 20 एन ए। जब डी में चलते हैं यहाँ पास टू वाला इसी तरह से आप ये आप डी वाला निकाल लेंगे, 2 मोला वो 2 माइनस निकल जाएगा। अब ई में चलते हैं यहाँ प्लस दिया है, एन ए प्लस दिया है, तो एन ए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है, तो आपको उसमें कितना निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन प्लस है, तो जितना प्लस होता है उतना इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं एटॉमिक नंबर में से उतना हम घटा देते हैं जितना नंबर आप पास छोड़ होता है, तो 11 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 निकाल दिया, सो इजी, तो पीई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो आप कैसे निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन मीन्स कितना 10 इंटू 2 इंटू एन ए, तो यहाँ भी क्या आएगा 20 एन ए, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको टोटल इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है, ऐसे इसी क्वेश्चंस को आप बदल लेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन के स्थान पर आप प्रोटॉन लिख दीजिए, फिर प्रोटॉन के स्थान पर आप न्यूट्रॉन लिख लीजिए और इसी तरह से आप काउंट करेंगे, और याद रखिए कि प्रोटॉन पे तो ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ये नेगेटिव चार्ज का कोई असर नहीं पड़ता है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो केवल जितना उसमें होगा आप नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम में जितना प्रोटॉन होगा वही रखेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव से मतलब नहीं है, न्यूट्रॉन में भी वही केस है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, न्यूक्लियर पार्टिकल्स होता है, नाभिक के अंदर होता है, और जब कभी भी कोई भी एटम है इलेक्ट्रॉन को या तो त्यागता है या तो ग्रहण करता है, तभी उसके ऊपर त्यागेगा तो पॉजिटिव होगा और ग्रहण करेगा तो निगेटिव होगा, लेकिन इस प्रोसेस में न्यूक्लियस का कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो आप जरा इसकी एक्सरसाइज करिएगा, तो नेक्स्ट डे हम अगले फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, ओके।